बैटरी साइकल्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन की चार्जिंग 0 से लेकर 100 तक कितनी दफ़ा हमारा फ़ोन चार्ज हो चुका है, तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी हेल्थ आईफोन की क्या सिस्टम होता है और बैटरी हेल्थ हमारी कम कैसे होती है। तो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि बैटरी हेल्थ का क्या प्रोसीजर होता है, बैटरी साइकल्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन की चार्जिंग 0 से लेकर 100 तक कितनी दफ़ा हमारा फ़ोन चार्ज हो चुका है, तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आईफोन में बैटरी में हम जब ओपन करें तो वहाँ पर हमें बैटरी हेल्थ भी शो करवाई जाती है कि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ इतनी है, 87 है 100 है, जितनी भी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बैटरी साइकल्स कैसे काउंट कर सकते हैं। बैटरी साइकिल होते ये हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन 0% से लेकर 100% तक कितनी दफ़ा चार्ज हो चुका है, और ये आईफोन इसको काउंट कर लेता है कि आपका फ़ोन 0% से लेकर 100% तक कितनी दफ़ा चार्ज हुआ है। और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आप कोई भी आप फ़ोन ख़रीदने जाएं तो वो उसकी भी चेक कर सकते हैं कि ये फ़ोन की बैटरी मैक्सिमम 1 साल में 400 साइकल्स कंप्लीट हो सकते हैं या 350 तक, 300-350 तक 400, 1 साल में इतने साइकल्स कंप्लीट होते हैं। तो अब मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप बैटरी साइकल्स काउंट कैसे कर सकते हैं। आपने सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपने यहाँ पर एनालिटिक्स में चले जाना है। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा एनालिटिक्स डाटा, उसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा ये ओपन हो जाएंगी, आपने यहाँ पर देखना है कि लॉग एग्रीगेटेड कहाँ पर लिखा हुआ है। लॉग एग्रीगेटेड जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है मेरा यहाँ पर आ गया है, ये देखें। तो इसको आपने पहले नंबर पर जो आएगा उसको क्लिक कर लेना है। जितना भी डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारे को आपने कापी कर लेना है। इसको कॉपी इस तरह कर लेंगे कि सबको क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करके इसको आपने नीचे फुल कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लूँ और अभी ये कॉपी हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा कॉपी हो रहा है। ये कॉपी होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉपी का, आपने कॉपी क्लिक करना है और ये सारा कॉपी हो गया। अब आपने नोट्स में चले जाना है। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने न्यू फोल्डर करना है, और आपने यहाँ पर जैसे आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। 1 सेकंड वेट करना है, ये सारा आपका जो भी आपने कॉपी किया वो सारा पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखें, ये सारा पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर एक एरो दिखाई देगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फाइंड इन नोट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है बैटरी साइकिल। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा बैटरी साइकिल। सर्च करने के बाद यहाँ पर ये देखें बैटरी साइकिल शो हो रही है हमें। इस फ़ोन की बैटरी 0 से 100 चार्ज हो चुकी है, 633 टाइम इस फ़ोन की बैटरी चार्ज हो चुकी है। और 0 से 100 आईफोन ने हमें बताया कि 633 दफ़ा आपका फ़ोन 0 से 100 चार्ज हो चुका है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी कितनी दफ़ा चार्ज हो चुकी है। और बैटरी हेल्थ का प्रोसीजर ये होता है कि आईफोन खुद कहता है कि जब 500 साइकल्स कंप्लीट हो जाते हैं आईफोन के बैटरी के, तो वो बैटरी हेल्थ उसकी 80% पर आ जाती है। लेकिन वो प्रोसीजर इस तरह होता है कि जैसे आप लगातार यूज़ करें फ़ोन को तो तब आपकी 80% पे आ जाती है। वैसे मैक्सिमम 84 पे रुक जाती है, 85 पे बैटरी हेल्थ रुक जाती है, और ये प्रोसीजर होता है बैटरी हेल्थ का। और इसके अलावा भी आप 3G टूल्स लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद स्कैन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बैटरी साइकिल काउंट हो जाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि आपके फ़ोन की बैटरी कितनी दफ़ा चार्ज हुई है। और जैसे ही आप कोई फ़ोन नया भी ख़रीदने जाएँ, कोई सेकेंड हैंड यूज़ करने जाएँ, तो आप बैटरी साइकिल काउंट कर लें, तो बैटरी साइकिल से पता चल जाता है कि ये फ़ोन कितनी दफ़ा चार्ज, कितनी टाइम्स यूज़ हो चुका है। अगर उसका 400 उसके बैटरी साइकिल काउंट आ रहे हैं तो मीन्स के वो फ़ोन 1 साल से ऊपर यूज़ हुआ है। तो इस तरह हम बैटरी साइकिल्स काउंट कर सकते हैं और बैटरी भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी बैटरी हेल्थ नीचे गिर रही है तो हम बैटरी साइकिल्स काउंट कर लें, इस फ़ोन की बैटरी साइकिल कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं आईफोन ये कहता है कि अगर 500 साइकिल्स हों तो आपकी बैटरी हेल्थ 80 पर आ जाती हैं।
और ये प्रोसीजर इन्होंने इस तरह बनाया होता है कि हमारी बैटरी अगर 80% पे आ जाए तो आप चेंज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जब बैटरी हेल्थ 75% तक जाए तो तब आप यूज़ करते जाएँ, उसके बाद चेंज करवाना चाहें तो चेंज करवा लें, 75 से पहले चेंज ना करवाएं, क्योंकि 75 से पहले बैटरी इतना चल जाती है अच्छी तरह, 75% के नीचे आ जाए बैटरी हेल्थ तो फिर आप चेंज करवा लें। तो गाइस वीडियो में यही बताना था, होप सो गाइस आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Are you hungry? Are you my partner?